नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉटरो हिंदी पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम आलू का ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद का सातनपुर मंडी पे। अभी हम यहाँ की किसानों और व्यापारियों से बात करके जान लेंगे आज इस मंडी पे किस किस प्रजाति की आलू का क्या भाव है, कितनी मोटर आलू की इस मंडी पे अराइवल हुई है आज, और साथ ही फारुखाबाद की आलू संपर्कित सारी की सारी जानकारियाँ। साथ ही यहाँ के किसानों के जरिए हम देख लेंगे आज इस मंडी पे आए हुई आलू की कुछ सैंपल भी। दोस्तों आलू संपर्कित सभी खबर हर दिन अपने स्मार्टफोन के जरिए पाने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए तूफान की गति पे सभी आलू संपर्कित व्हाट्सएप ग्रुप में। नमस्कार बाबूजी। बाबूजी नमस्ते, बताओ। तो बाबूजी आपका क्या नाम है? हमारा नाम महेश चंद है। आपकी फर्म का क्या नाम है? सुनील कुमार। हाँ, तो आप देख सकते हैं अभी हम सुनील कुमार आरती के पास बैठे हैं और इनसे आलू के बारे में पूछेंगे। और सुनील कुमार हमारी फर्म है, हम उसके प्रोपराइटर हैं। जो आलू अभी आलू पोजीशन क्या है अभी? आलू आज तो 10-20 रुपये करंट है भाई। कल से 10-20 रुपये कितनी होगी? 100 मोटर तक की होगी, 100 से लेकर 150 बीच में कुछ भी होगा। 100 से लेकर 150 मोटर तक। आज आपने क्या क्या रेट आलू बेचा? हमने आलू 541 और 581 रुपये बेचा टोटल। 541 और 581। हाँ, कौन सा आलू चाहिए? टोटल पोखरा था वो, ख्याति आलू। अभी जो हमने चारों तरफ बात की है किसानों से, और आपकी इसमें क्या रहे है आगे आलू की क्या पोजीशन रह सकती है? किसान तो अगर किसान भाव धीरे धीरे लाएगा तो आलू निपट जाएगा, और अगर एकदम आमा जो 200-250-300 पैकेट आम नहीं आ जाएगा तो बाजार टूट जाएगा। बाजार टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाए, लेवाल नहीं होगा। नहीं, स्टोर में क्या स्थिति है आपकी? स्टोर में आलू जा रहा है भाई, स्टोर में जा रहा है, लेकिन हर आदमी डालने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि स्टोर का भी कोई पता नहीं क्या बिकेगा क्या होगा। जा रहा है आलू, जा रहा है आलू जाएगा, मजबूत आदमी डाल रहा आलू। आपके पास किसान आते हैं और पिछले साल से वो पैदावार कैसी है? पैदावार बाबू जी हमारे यहाँ 50 से लेकर 60 कट्टे तक की है। 60 कट्टा अच्छा आलू निकल रहा है, छोटा काश्तकार है, और 50 कट्टे की बड़ा काश्तकार जो 100 बीघा है 50 बीघा है वो निकल रहा है। पिछले साल से कुछ अच्छी पैदावार है या कम है? पैदावार पिछले साल 60-70 हमारे पिछले साल 100 कट्टा निकले बुखरा जो क्या थी। पिछले साल से कम हो सकती है? कम है बाबू जी, हमारे उधर थोड़ी वैसी ज़मीन है तो उसमें हल्की ज़मीन है, तो हमारे हिसाब से 50 कट्टे की ही आलू निकल रहा है हमारे उधर, और जो अच्छी ज़मीन है जिनमें घूर रहे खूब पर उनमें 60 कट्टे निकल रहा है। आपका कौन सा क्षेत्र है? यही पड़ता है याकूत लेके सितौली पकड़िया गड़ा खेरा चौसैया कंतला उधर का ही आपकी तरफ आलू? उधर ही का। तो इस स्थिति में अभी किसान घबराए हुए हैं, किसानों को क्या करना चाहिए? कायदे में किसान को आलू थोड़ा जो कोल्ड डाले वो तो अपना डाले ही डाले, खोद 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 के बकाया अपना कुछ डंप करे, कुछ बेचे, कुछ धीरे धीरे लाए। काय भाई धीरे धीरे लाए? हाँ, और ये मंडी 2-3 दिन से तो कुछ सुधार है मंडी में? हाँ, 2-3 दिन आगे कुछ सुधार हो सकता है आगे के लिए? देखिए आलू अगर बिल्कुल पका आने लगा, मजबूत आने बक्कल का आने लगा, हो सकता है 10-20 रुपये का सुधार हो जाए। और अच्छा दूसरी चीज़ है मंडी में आलू भाव जी साउथ क्वालिटी बिकते हैं तेज, देखा हर आलू तेज बिकता नहीं बिकता कहीं पड़ते नहीं है। अभी लोकल की मंडी है वो ज़्यादा डाउन चल रही है जो लोकल में? अभी 2-3-4 दिन पहले जाम लग गया था, वो अभी आम नहीं बिक पा रहे बाहर भाई, वे लाइन बनाए हुए हैं। अब बाहर कहाँ जाए आलू, हर जगह तो आलू, बिहार में आलू, बंगाल में आलू, लोकल में आलू। हमारा नाम राम तीरथ, हम जरीनपुर से। आपने इस साल कितना आलू लगाया है? आलू है लमसम 50 बीघे। आज जो आप आलू लेके आए आज क्या रेट बिका है आपका? आज आलू 501 रुपए है। 501 रुपए, ये कौन सा आलू है? ख्याति। ख्याति आलू। जो आपने आलू लगाया है इस साल पिछले साल के अपेक्षा पैदावार कैसी है? पैदावार कम है। कितने परसेंट कम होगी? करीब करीब 10% तो कम माने ले। 10% कम होगी। आपका कौन सा जिला पड़ता है ये? शाहजहानपुर। शाहजहानपुर जिला। शाहजहानपुर जिला में स्टोर खुल सकते?
से ये फुल हो सकते या नहीं हो सकते? स्टोर तो फुल हो जाएंगे, नमस्कार भाई। और क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। आपका 631 रुपये। 631 रुपये, कौन सा आलू है? 3797। और किस क्षेत्र से आप भाई? सैजानपुर से। आप कितना आलू करते हो? आलू बस करते हैं 40 बीघा आलू होता है। 40 बीघा आलू, कौन कौन सा आलू करते हो? 3797 चिप्सोना, यही करते हैं। 3797 चिप्सोना। कितने आलू खुदाई कर दिए आपने? कितने आलू खुदाई कर दी? खुदाई कर दिए 400 कट्टे की। 400 कट्टे की। 400 कट्टे। और स्टोर में कितना आलू रखते हो? स्टोर में रखते हैं आखिरी में रखते हैं, अभी नहीं रखते। नहीं, कितना आलू रखते हो? ऐसे रखते हैं बस 200-250 कट्टे। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम संत कुमार। संत कुमार, आप ट्रेडर्स हो? नहीं नहीं, मैं काश्तकार हूँ जी। और आप किस क्षेत्र से आए हो? ये हमारा क्षेत्र है फरुखाबाद का, लास्ट थाना मेरापुर। कौन सा है? नंगला जोत बिछौली मेरापुर जी। ये गुजरी बात है। हाँ हाँ। आपने इस साल कितना आलू किया है? मेरे पास इस साल 2000 कट्टा है लगभग। नहीं, कितने बीघा किया? करीब 40 बीघा। 40 बीघा जी। और कितने आलू खुदाई कर दिया आपने? आलू अभी एक भी दाना नहीं हुआ, एक भी नहीं खुदाई किया अभी। तो अभी आप मंडी लाने के विचार में हैं? मंडी आज देखना है, मंडी लाएंगे। देखने जी। और स्टोर में कितना आलू रखते हो? स्टोर में करीब करीब तो 500 पैकेट। 500 पैकेट जी। जो अभी जो रेट चल रही है, अभी मंडी में घूमे थे, लगभग 250 रुपये से लेके 600 रुपये क्विंटल तक है। जी जी जी। उस हिसाब से किसानों को लागत लगाई, उस हिसाब से रुपये सीधे हो पा रहे या नहीं हो पा रहे? रुपये ही सीधे हो पा रहे, बचे का सुना। और जिन लोगों का 300 रुपये 350 रुपये क्विंटल बिक रहा है, मेरे नुकसान में जा रहे हैं। और एक बीघा में लागत कितनी लग जाती है? एक बीघा में लागत मेरी जो है करीब 13-14 हज़ार की लागत है मेरी। 13-14 हज़ार जी। और आप कौन कौन सा आलू करते हो? हॉलैंड है, न्यू हॉलैंड जी। और न्यू हॉलैंड में क्या रेट चल रही है? इसमें आज मंडी 600 रुपये बताई है अब्बल। 600 रुपये। और स्टोर में जो किसान रख रहे हैं, अभी बेचने से फायदा है या स्टोर में रखने से फायदा है? अब साहब, अगर स्टोर में अगर अब चांस अच्छे बनते हैं तो फायदा है। अगर रेट जो 400 रुपये, तो उसका भाड़ा हो जाएगा, कोल्ड भाड़ा है, पैकेट है 400 रुपये, 1000 रुपये पड़ेगा 600 वाला। अगर 14 से बिकता है तो फायदा है, अगर 1000 से बिको 11 से बिको तो कोई फायदा नहीं होगी, नुकसान ही है किसान। हाँ, तो नुकसान है। और आप जो हमारे किसान हैं, जो वीडियो हमारी देखते हैं, किसानों को कुछ राय देना चाहते हैं? अब हमारी तो राय यही, हम अपना खुद बेचेंगे, अब किसान आदमी आगे क्या करेंगे, हम तो अपना बेचेंगे। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार, आप किस जगह से आए हो? तेरागर से। और ये आलू कौन सा, क्या रेट बिका आलू? आलू जो बिको है 360। 360 रुपये क्विंटल। हाँ, आलू कौन सा है? ख्याति है। ख्याति आलू। आलू का फिकत है आलू, जो आपने लागत लगाई है उस हिसाब से आपको रुपये मिल पा रहे या नहीं मिल? अरे 30 हज़ार हो रहे। इसमें कितना नुकसान है आपको? कम से कम 1000 रुपया बिका को नुकसान है जहाँ में। 1000 रुपये बीघे का नुकसान है आपको? हाँ। आपने इस साल कितना आलू किया है? क्या था इस साल आपने कितना आलू किया है? आलू है 10 बीघा। 10 बीघा। और कितने आलू खुदाई कर दी? आलू खुद को 2 बीघा अलग है। 2 बीघा। और आप स्टोर में कितना आलू? 8 बीघा। स्टोर में रखे 50-60 पैकेट। 50-60 पैकेट। ये आगे कुछ उम्मीद है रेट मिल पाएंगे स्टोर में? रेट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? अब ताजा रेट कहाँ मिले पाए आलू, तो रेट अब कहाँ मिल पाए? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। ये आलू आपको कौन सा आलू है? न्यू हॉलैंड आलू। हाँ। और क्या रेट बिका है? 671 रुपया। और आपने ये न्यू हॉलैंड आलू कितना किया था? आलू तो 7-8 बीघा। 7-8 बीघा। पूरी खुदाई कर दी या फिर? हमने पूरी खुदाई कर दी। और कैसी पैदावार है आलू की? पैदावार ये 60 पैकेट निकलो, 55-60। 60 कट्टे की? हाँ। पैदावार तो बढ़िया है। स्टोर में नहीं रखोगे? स्टोर में 225 पैकेट। 225 पैकेट स्टोर में रख दे। हाँ। तो जो स्टोर रखे जा रहे हैं उस हिसाब से आगे कुछ उम्मीद है स्टोर में रखने की? उम्मीद है, कजूना अब कातकर का उम्मीद लगा हुआ है, अब उम्मीद कजूना है। आप किस क्षेत्र के हो? हम 560 के हैं।
जिराऊ गांव जिराऊ 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 हाँ। और इसके अलावा आपने और कोई भी आलू किया है? और ना करो कोई आलू। हाँ। और स्टोर आपकी तरफ खुलेगा या नहीं खुलेगा? सब खुलेगा, भरे जा जाएंगे, फुल हो जाएंगे टोटल। हाँ फुल टोटल। और इस न्यू हॉलैंड आलू में आपको कितनी लागत लग जाती है? आपके लागत तो कोई लग गया 4-5 हज़ार रुपये की लागत लग गया। कितने? 4-5 हज़ार रुपये की लागत लग गया। 5-6 हज़ार जब अपना बीज हो उसके बाद तब। हाँ 15 हज़ार रुपये बीघे की लागत आती है किसान को। नहीं मालूम बता रहा ये आरती भैया, आरती है। आपकी आपका क्या नाम है? रामोता शाक्य। और आपकी क्या नाम है ट्रेडर्स का? हमारा पुरुषोत्तम दास रामोतार फार्म पड़ती है। पुरुषोत्तम दास रामोतार। जो आप देख रहे हैं सामने वाली इनकी ट्रेडर्स है। और ये और आपके यहाँ कौन कौन क्षेत्र से आलू आता है? पूरे फर्रुखाबाद जिले से कई गांव से आलू आता है। पूरे फर्रुखाबाद जिले कई गांव से। और ये वाला आलू क्या रेट में आया है? ये आलू 671 रुपये कुंटल। और आज मंडी में अराइवल कितनी होगी? मंडी में लगभग 150 मोटर है। 150 मोटर। आज का भाव क्या रहा है? भाव नीचे में 250 रुपये लेके ऊपर में तो ये आपको बता दिया हमने। 250 रुपये से लेके 671 रुपये। 671 रुपये। और आपके यहाँ क्या क्या रेट बिके हैं आलू के? हमारे यहाँ बेचा 551, 521, 531। 551 कौन सा आलू है? तुल के चला गया जो पड़ा हुआ 551 वाला। 551 वाला कौन सा आलू है? ये जो है ख्याति। जो स्टोर में आपके तरफ जो स्टोर खुल गई है इस साल, स्टोर की कैसी उम्मीद है? अभी कुछ नहीं कहा सकता। अभी कुछ नहीं कहा सकता, कह नहीं सकते। अभी तो आलू तो खेतों के अंदर बड़ा हुआ है, खुदाई चालू नहीं हुई है। खुदाई चालू अगले हफ्ते से शुरू हो गई, मतलब शुरुआत तो हुई है लेकिन पीक पॉइंट जो है 20 तारीख से शुरुआत होगी। जब शुरुआत हो गई उसके बाद पता चलेगा पैदावार कैसी निकल रही क्या है। नहीं अभी अभी तक जो रूमर है उसके हिसाब से तो बहुत मद्दा जाएगा। प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, फसल में कोई रोग नहीं है, अच्छी पैदावार है। जो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कोल्ड स्टोर बनने के बाद आलू बचेंगे। सारे फर्रुखाबाद के नहीं, पूरे यूपी के कोल्ड स्टोर के आलू भरेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप आरती हैं? आरती। आपकी ट्रेडर्स का क्या नाम है? हमारा मोहम्मद अयूब मोहम्मद मुबीन। ये जो आलू सामने है ये क्या रेट बिका है? ये बिका 571 रुपए। 571 रुपए। हाँ आलू ने बता दो कहाँ तक बिका है, पूरी बात बताओ। मंडी में कितनी आपको होगी लगभग? आमदनी हुई तकरीबन 150 मोटर की। 150 मोटर लगभग। हाँ और आज क्या रेट रही है लगभग? आज जो है 600 तक बिका, 625 तक। 625। कल से कुछ मंडी भैया है? आज टाइट है थोड़ी मंडी। जी आती किस किस तरफ का माल आता है? चारों तरफ का आता माल। कौन कौन सी जगह का आता है? मतलब पूरी आसपास फर्रुखाबाद के जिले के आसपास जितने गांव सब कहीं आता है। धान के आलू। ये कौन सा आलू है? पुखराज। ये पुखराज। कौन सी जगह का है आलू? ये आलू है सितौली का। सितौली का। हाँ बोला बोल। किस क्षेत्र में पड़ता है ये सितौली? ये पड़ता है कमालगंज एरिया में। कमालगंज एरिया। आपका इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान कौन है? इनका नाम किसान जी क्या है? किधर गए? ज्ञान है इधर खड़े हो सामने। खड़े हो आगे। स्पीकर पकड़ो। और भाई साहब आपकी तरफ पैदावार आलू कैसी है? आलू पैदावार ठीक है, पिछले साल से तो सही है। इस साल बढ़िया है। और जो स्टोर में कैसा जा रहा है आपकी तरफ का आलू? सही जा तो अभी खाल टूट रही है, हल्का जा रहा है, थोड़ा हल्का जा रहा है। और जो स्टोर में किसान रख रहे हैं पहले मंडी ज्यादा डाउन थी फिर भी रेट, ये क्या रेट होगा बता बता? 571 रुपए। 571 फिर भी रेट अब सही आ गए स्टोर में, तो आपके रेट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? बहुत मुश्किल दिखा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। और आप किस जगह से हो? ग्राम हरन खुदा से। सराय के पास है ये? हाँ सराय के पास में ही है, थाना मेरापुर पड़ता है। कौन से जिला में है? फर्रुखाबाद में ही है। फर्रुखाबाद। ये जो आपका क्या रेट आपने आज आलू भेजा है? ये बेचा है 381 रुपये। 381 रुपये। तो आपके इसमें एक बीघा में कितनी लागत लग गई? एक बीघा में कम से कम 8,000 रुपये। 8,000 रुपये।
और लागत लगाई है उस हिसाब से रुपए मिल पाए या नहीं मिल? कुछ नहीं मिला। ये एक बीघा में कितने कट्टे निकला? एक बीघा हम बोई निकले 40 पैकेट। 40 पैकेट भी है सर। और एक पैकेट लगभग कितने रुपए का जाके होगा? अब आप ही देख लो, ये 81 रुपये। हाँ। और स्टोर आपकी तरफ खुल गए? हाँ खुले हैं, अब नंबर लगा है स्टोर खुलने का। स्टोर में आलू जाने लगा? कुछ जा रहा है, कुछ मंडी में आ रहा है, कुछ डंपिंग कर रहे हैं लोग। डंपिंग कर रहे हैं। स्टोर में कितने परसेंट आलू स्टोर भर जाएंगे इस साल या नहीं भर पाएंगे? इस समय किसान ज़्यादा डालेगा, व्यापारी कम खरीद के डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से किसान ज़्यादा डाल रहे हैं तो उम्मीद नहीं स्टोर में मिले या नहीं मिले? कोई फ़ायदा नहीं है। और आपकी तरफ कितने परसेंट खुदाई हो गई होगी? अभी 40%। 40% खुदाई हो गई? हाँ। और पिछली साल से आलू कैसा निकल रहा है? आलू तो बढ़िया निकल रहा है, इतना ही मद्दा घुसा है। नहीं, कितने परसेंट? 10 से 5% ज़्यादा है? 5% ज़्यादा निकल रहा है। और क्षेत्रफल में भी पिछली साल से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। कितने परसेंट ज़्यादा होगा? लगभग 10%। आपका क्या नाम है भाई? आदेश कुमार। आप किस गांव से आए? राजपुर। कहाँ से? डाड़ेपुर। डाड़ेपुर। ये किधर है? अमृतपुर। अमृतपुर साइड। और आपका क्या रेट आलू बिका है? मेरा 471। 471 रुपये। कौन आपके तरफ स्टोर खुल गए? हाँ। तो जो आपने आलू लगाया है उस हिसाब से आपको कितनी लागत लग गई होगी? लागत बस 6-7-8 हज़ार। लागत 7-8 हज़ार रुपये। और उस हिसाब से जो रुपए मिलने चाहिए वो मिल पा रहे या नहीं? नहीं। और पिछली साल से इस साल ज़्यादा निकल रहा कुछ? नहीं, कम। कम है? तो आलू महंगा होना चाहिए आगे जाके? आलू महंगा होना चाहिए, होता नहीं तो। और आपने इस साल कितना आलू किया? 10-12 बीघा। 10 से 12 बीघा। पिछले साल कितना किया था? पिछले साल कम था थोड़ा। पिछले साल कम था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए।